हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आई विल डिस्कस पॉइंट कोलोकेशन मेथड बाय यूजिंग सम एग्जांपल और एट द एंड आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम। आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट कोलोकेशन मेथड। ये मेथड जनरली हम लोग जब FEM की बेसिक क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग में ही मेथड डिस्कस करना पड़ता है। इसी मेथड के बेसिस पे फिर हम लोग वेटेड रेसिडुअल मेथड, वीक फॉर्म ऑफ वेटेड रेसिडुअल मेथड एंड देन कंटिन्यूअस पीस वाइज कंटिन्यूअस सॉल्यूशन ऑफ वीक फॉर्म ऑफ वेटेड रेसिडुअल मेथड डिस्कस करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट प्रॉब्लम, सी दिस इज द प्रॉब्लम। हियर यू कैन सी सिंपली सिंपल बार और बार प्रॉब्लम विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड इन एक्स डायरेक्शन ओनली। इस मेथड को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे मॉस या फिर और भी कोई इंजीनियरिंग फील्ड का सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करूँगा। मुझे मतलब सिर्फ इस इक्वेशन से है, जो इक्वेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रही है। ये इक्वेशन ए डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू नॉट, ये एक्चुअली गवर्निंग इक्वेशन है इस प्रॉब्लम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम होगा या फिर कैंटिलीवर बीम होगी, कैसे भी बीम है उसके लिए हमको मालूम है कि मुझे एक आई नीड वन गवर्निंग इक्वेशन। अब उस गवर्निंग इक्वेशन को सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट फील्ड यू, हियर यू इज द डिस्प्लेसमेंट फील्ड। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँगा तो टी इज द अननोन और फील्ड वेरिएबल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सिंपली इक्वेशन वन। ये इक्वेशन वन यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी इक्वेशन है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं देख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैसा है, ठीक है। तो टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इसको गवर्निंग इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो ये सिस्टम गवर्न कर रहा है, मतलब इसको जो डिस्प्लेसमेंट फील्ड है इट इज़ गवर्निंग बाय इक्वेशन वन, इसलिए इसको डिफरेंशियल गवर्निंग इक्वेशन बोलते हैं। ऑल दो इट इज नॉर्मल गवर्न नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं तो इक्वेशन वन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज सब्जेक्टेड टू टू बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज यू नॉट यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज जीरो एंड सेकेंड इज फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जीरो। तो एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली इट कैन बी इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दीजिए आप यहाँ पे और इसको जीरो टू एल, यहाँ पे एल इज द डोमेन फ्रॉम जीरो टू एल, आपका जो लेंथ है वन डायमेंशनल है यहाँ पे जीरो टू एल, तो इसको आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के तो टू टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपके पास टू कॉन्स्टेंट आएंगे सी वन एंड सी टू। उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट के लिए आपको ये बाउंड्री कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे जितना ऑर्डर दिया हुआ है उतनी मुझे बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तभी मैं इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। अब इसी प्रॉब्लम को अप्रॉक्सीमेट मेथड से सॉल्व करने के लिए देर आर सो मेनी टेक्निक्स, पॉइंट कोलोकेशन टेक्निक, वेटेड रेसिड्यूअल टेक्निक, वीक फॉर्म ऑफ वेटेड रेसिड्यूअल टेक्निक, रेले रिज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट दैट इज पॉइंट कोलोकेशन टेक्निक। पॉइंट कोलोकेशन टेक्निक क्या बोलता है कि आप एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन एज्यूम करो। इन जनरल जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन एज्यूम करते हैं वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब मैंने बोला इन जनरल, है ना, अपन थर्ड प्रॉब्लम में थर्ड एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन जनरल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फिक्स करनी है, क्योंकि अपने पास तो ऑप्शन है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो मुझे कहाँ तक स्टॉप करना है वो मुझे बताएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जाऊँगा, अगर यहाँ पे क्यूब होता फोर होता तो मैं और मिनिमम जो टर्म होते वो ले सकता था, बट मिनिमम आई विल टेक एक्स टू स्क्वायर।
लीनियर इक्वेशन नहीं ले सकते, बिकॉज आप इसको अगर पुट करोगे तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ लीनियर इक्वेशन इज जीरो, तो होल टर्म विल बी जीरो, तो वो काम नहीं है करेगा। तो जितना इसका ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको मिनिमम उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन चूज करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो लेट अस द यू एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन। अब यहाँ पे देखना आप स्लाइड में, यू एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू यू कैप एक्स, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एफ ई एम में जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है उसमें ये बोला जाता है कि आप जो भी सॉल्यूशन एज्यूम कर रहे हो वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने ट्रायल सॉल्यूशन एज्यूम किया है, ये इस बाउंड्री को जो बाउंड्री वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। देखते हैं कैसे दिखेगा। सिंपल सी बात है, व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो हियर इन दिस इक्वेशन, तो यू विल गेट सी नॉट टर्म जो कि जीरो नहीं है, ये मुझे नहीं पता। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, ऑर्डर देखते हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखते हुए आपको पॉलिनोमियल चूज करना है डिग्री वाइज, कितना डिग्री लेना है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि जो भी आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया उस सॉल्यूशन में बाउंड्री कंडीशन पुट करके कुछ कोफिशियंट रिड्यूस करोगे, ताकि आपका जो ट्रायल सॉल्यूशन या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिएगा, इन दिस इक्वेशन आई पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आई नो फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो यू विल गेट यू इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या मुझे मिल गया, सी नॉट विल बी जीरो। नाउ अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट करने के लिए आई हैव टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ट्रायल फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, फर्स्ट इफ यू टेक फर्स्ट डेरिवेटिव सी नॉट टर्म विल बी जीरो सी वन प्लस टू सी टू एक्स, सिंपल है। नाउ पुट x इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, इफ यू पुट x इक्वल टू जीरो डी यू बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म हो गया जीरो, इज इक्वल टू सी नॉट सी वन प्लस सी टू एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, सी वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी टू फाइंड आउट कर लिया, उसको मैंने अगेन ट्रायल फंक्शन में पुट कर दिया। तो यू एक्स इज वॉट, इट इज द एज्यूम ट्रायल फंक्शन, एंड यू कैप इज वॉट, इट इज द ट्रायल फंक्शन विच इज सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ये इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट इक्वेशन टू ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं अब इसको यूज करूंगा जो भी मैं काम करने वाला हूँ किसी भी मेथड में। पहले मैं इसको रिड्यूस कर लूंगा और फिर इस इक्वेशन को यूज करूंगा फाइंड आउट करने के लिए आंसर। अब देखते हैं, अब अगर ये यू कैप एक्स जो मैंने एज्यूम किया कि इट इज द सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन है यस, तो अगर ये यू कैप एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपल सा टर्म है कि अगर मैं इस यू कैप यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन वन में, तो होल टर्म विल बी जीरो, अगर ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है तो। फॉर एग्जांपल राइट साइड में देखो, मैंने एक आर्बिट्री इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा है, एक सिंपल सा इक्वेशन दिया रखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे मालूम है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू वन है, तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू वन इन दिस इक्वेशन आई विल गेट जीरो। बट अगर मैं सॉल्यूशन एज्यूम करता हूँ कि नो द सॉल्यूशन इज टू, तो व्हेन यू पुट टू इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स की वैल्यू, तो यू विल नेट नेवर गॉट द जीरो वैल्यू, बिकॉज इट इज नॉट द सॉल्यूशन, बट आई एज्यूम इट इज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो व्हेन यू पुट टू इन दिस इक्वेशन यू विल गेट सम रेसिड्यूअल और एरर। तो वही एरर की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, कि जब आप यू कैप इस इक्वेशन को इक्वेशन वन पे पुट करोगे तो ये टर्म जीरो नहीं आएगा। अगर ये एग्जैक्ट है देन यू विल गेट जीरो, बट इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट यू विल गेट सम वैल्यू, उस वैल्यू को एफ ई एम में बोलते हैं रेसिड्यूअल, आर डी से उसको डिनोट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट।
तो मैंने क्या किया, जीरो नहीं आ रहा है तो मैंने आर डी कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू ए डी टू यू कैप अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये। यू कैप की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, उसका डबल डेरिवेटिव ले लो, तो सिंगल डेरिवेटिव में कॉन्स्टेंट हो जाएगा टर्म, डबल डेरिवेटिव में ये हो जाएगा टू सी टू। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट साइड में ए ई टू सी टू इज प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू आर डी, इट इज द रेसिड्यूअल। अब हमारा पर्पज क्या है कि इस रेसिड्यूअल की वैल्यू को मिनिमाइज कर सके, मिनिमाइज करेंगे तो हम अपने एग्जिट सोल्यूशन के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस सी टू की वैल्यू चाहिए। सोल्यूशन तो ये है आपका, इसमें एक्स स्क्वायर इज द वेरिएबल, डोमेन लेंथ है और सी टू इज द ओनली अननोन, ओनली वन सिंगल अननोन। तो मुझे आर डी की वैल्यू मिनिमाइज करनी है। आर डी की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, क्या हो सकती है, जीरो। तो लेट अस पुट आर डी इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ यू पुट आर डी इज इक्वल टू जीरो, तो आर डी इज इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, डिवाइड बाई ए बाई टू, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी टू इज। इस वैल्यू सी टू की वैल्यू को मैं इक्वेशन टू पे पुट करूंगा, देन आई विल गेट द आंसर। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि जो भी मैंने आंसर फाइंड आउट किया यहाँ पे बाई यूजिंग दिस मैथड वो एग्जैक्ट है कि नहीं। अब आर डी जीरो को पुट कर दिया, क्योंकि मुझे आर डी की वैल्यू मिनिमम चाहिए। मिनिमम मतलब भाई आप इसको राइट हैंड से समझिए कि एक्स इज इक्वल टू वन पे ये जीरो मिल रहा था, बट एक्स इज इक्वल टू टू पे ये कुछ वैल्यू मिलती। बट यस, एक्स इज इक्वल टू 1.5 पे क्या होता, इसकी जो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टू पे मिल रही थी उससे कुछ और एग्जिट की तरफ मूव करता। तो आर डी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब मैं एक्स इज इक्वल टू टू की एक्स की वैल्यू वन पुट कर दूं। बट मुझे ऑलवेज ये पता नहीं रहेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम जीरो और ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ पे। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो यूनिट इंटीग्रेटेड फोर टाइम, और हर बार आपको C1, C2, C3 कोफिशिएंट मिलेगा। इसको आप सॉल्व करते हैं वेटेड पॉइंट कलोकेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे आप देखना ऑर्डर है 4, तो आपका जो एज्यूम पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री क्या होगा, यस 4। वैल्यू क्या होगी, क्या हुआ इक्वेशन टाइप C1 सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री अप टू एक्स क्यूब तक जाएगा, एक्स टू बार 4 तक जाएगा। देखते हैं क्या होगा, कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। यस ऑफकोर्स आप इससे हायर ऑर्डर ले सकते हो, बट मिनिमम नहीं लेना, जैसे मैंने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। अब सेकेंड वर्क इज वॉट, यहाँ पे यू कैप रॉन्गली प्रेजेंटेड है, यहाँ पे वी कैप, यहाँ पे सिर्फ वी होना चाहिए, बिकॉज ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई अभी नहीं कर रहा है। जब बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तब यहाँ पे वी लिखेंगे, वी कैप। अभी ये सिंपल वी है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है ना, विदाउट सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन पुट करने का सेम मेथड, यू नो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, यू विल गेट सी नॉट टर्म, दैट विल बी जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, सेकेंड डेरिवेटिव ले लो ऑफ दिस ट्रायल फंक्शन, और एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे जीरो पुट करते जाओ, तो आपको सारे वैल्यू एलिमिनेट, टोटल 4 कोफिशियंट एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ लास्ट कोफिशियंट, वो आगा आपका आंसर आएगा। ये सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल, जो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया वही इसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में C4 इज द ओनली अननोन कोफिशियंट जिसको वी नीड टू फाइंड आउट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर क्या, कि इफ यू पुट दिस ट्रायल फंक्शन इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यू विल गेट रेसिड्यूअल। अगर ये एग्जिट सॉल्यूशन नहीं है तो यू विल गेट रेसिड्यूअल, अगर ये एग्जिट सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम जीरो, तो वो हो जाएगा एग्जैक्ट। बट मुझे मालूम नहीं है कि अभी ये इट इज एग्जैक्ट और ट्रायल सॉल्यूशन, तो हमने इसको एज्यूम किया कि इट इज द ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, पुट करते हैं। अब इसको आप देखो पुट करोगे जब यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू पुट करोगे तो क्यूब और स्क्वायर के जो टर्म है वो तो ऑलरेडी जीरो हो जाएंगे। 4 फर्स्ट डेरिवेटिव,
ऑफ एक्स फोर, फोर इंटू एक्स क्यूब, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू एक्स, सॉरी फोर्थ में ये हो जाएगा टोटल 24। तो वैल्यू क्या आएगी, 24 सी फोर। देखिए मैंने आप लिखा है आर डी इज इक्वल टू 24 ई आई, ई आई इज दी कोफे मल्टीप्लाइंग टर्म सी फोर माइनस क्यू नॉट। तो अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, सी दिस आर डी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट यहाँ पे देखिए नहीं है। तो आर डी की वैल्यू को मिनिमम क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, जीरो, जीरो पुट करेंगे तो सी फोर आप निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा ये। सी फोर निकाल के अगेन मैंने उसको इस इक्वेशन पुट कर दिया जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, तो आई गेट दी सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट, आई डोंट नो वेदर इट इज अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट, मैं बोलूंगा इसको इट इज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं तो चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। देखिए सेम इक्वेशन है बट मैंने बाउंड्री कंडीशन यहां पे चेंज की हुई है, यहां पे कुछ अलग बाउंड्री कंडीशन थी, यहां पे कुछ अलग बाउंड्री कंडीशन। ये किसी ये सिंपली सपोर्टेड बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है और पिछले वाला कैंटिलीवर कर रहा था, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि इट इज फॉर मी इट इज अ नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका मुझे सॉल्यूशन लेना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट कोलोकेशन टेक्निक, सिंपल सेम द प्रोसीजर। अब यहां पे मैंने जो बोला आपको कि मैं यहां पे पॉलिनोमियल यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बोला जनरली पॉलिनोमियल यूज करते हैं बट यू आर फ्री टू चूज एनी फंक्शन एज योर ट्रायल फंक्शन, बट एक ही कंडीशन है कि जो भी आपने ट्रायल फंक्शन एज्यूम किया है वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए। बस अगर आप इस बात को ध्यान रखोगे तो आप कोई भी फंक्शन को एज ए ट्रायल फंक्शन चूज कर सकते हो। देख लेते हैं यहां पे जो ट्रायल फंक्शन यूज किया है C1 साइन पाई एक्स बाई एल, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये, वो भी चेक कर लेते हैं। व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो साइन जीरो इज जीरो तो टोटल टर्म विल बी जीरो, यस वी इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है। व्हेन यू पुट एल तो पाई एल बाई एल तो साइन पाई इज अगेन जीरो, ये हो गया टोटल टर्म विल बी जीरो, यस सेकेंड भी कर रहा है। सिमिलरली थर्ड और ये भी करेगा सेटिस्फाई, क्योंकि जब इसका डबल डेरिवेटिव लो गया तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा, अगेन द सेम थिंग, यस। तो अब आपका जो ट्रायल फंक्शन है वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इस v को v कैप यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। प्रोसीजर इज सेम, वंस यू गेट दी v कैप अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन उसको कहाँ पुट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए जब आप पुट करोगे तो फोर डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, तो C1 तो टर्म बाहर आ गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस एंड साइन, और ये टोटल फोर टाइम पाई बाई एल फोर टाइम बाहर आ जाएगा यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है तो अगेन यू विल गेट द रेसिड्यूअल, यस इट इज द रेसिड्यूअल। तो आप जब वी कैप को यहाँ पुट कर दोगे तो इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्या होगा, रेसिड्यूअल, कुछ एरर, और उसी एरर को मुझे मिनिमाइज करना है सो दैट आई कैन गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे आर डी इज इक्वल टू यस C1 पाई बाई फोर एल फोर ये कर दिया। अब यहाँ पे आर डी जीरो करना है, प्रीवियस टू क्वेश्चन में मैंने सिंपली आर डी को जीरो कर दिया बट यहाँ पे मैं सिंपली आर डी को जीरो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज हियर आर डी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में आर डी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं था, आर डी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे, टोटल एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रही है, फ्रॉम जीरो टू एल, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे आर डी आई कैन पुट जीरो। वो वैल्यू क्या सकती है, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री एल बाई थ्री एक्स बाई एल, जो भी थ्री एल बाई थ्री थ्री एल बाई फोर, ऐसा विद इन द डोमेन, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे मैं आर डी को जीरो पुट कर सकता हूँ। और यही इसका डिसएडवांटेज है इस मेथड का, क्योंकि ये प्रॉब्लम जिसके पास भी आएगा तो द वन हु जो भी इसको यूज कर रहा है वो फ्री है इसकी वैल्यू को जीरो पुट करने के लिए एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। तो लेट अस मेक आर डी इज इक्वल टू जीरो एट एल बाई फोर, जब एल बाई फोर पे आर डी मैंने जीरो पुट कर दिया ये जीरो हो गया, तो यहां से मैं सी वन की वैल्यू निकाल लूंगा। रीजन
एक्स की वैल्यू आपने किस फॉर्म में पुट कर दी, एल बाई फोर पे, तो इट इज हियर इट इज वी हैव ओनली वन अननोन सी वन, तो मैंने निकाल लिया. इफ यू पुट सी वन इज इक्वल टू इन द ट्रायल फंक्शन तो यू विल गेट दिस आंसर. तो यहां पे क्या है, सिंस वी हैव ओनली वन कोफिशियंट टू बी डिटरमाइन दैट इज सी वन, वी कैन सेट रेसिड्यूअल जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ आवर चॉइस विद इन द डोमेन. दिस टेक्निक इज कॉल्ड द पॉइंट कोलोकेशन टेक्निक. मैं यहां पे एक ग्राफ शो करता हूं जो आपको ये बताएगा कि अलग अलग वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट कैसे वेरी कर रहा है. देखते हैं ग्राफ. यस हियर इट इज. तो द कर्व विथ स्टार शेप इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, एनालिटिकल रिजल्ट बाय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो आप में मेथड पढ़ा हुआ है. यस व्हेन यू पुट आर डी इज इक्वल टू जीरो एट एल बाई फोर यू विल गेट द रिजल्ट दिस डायमंड शेप. देखो कितना डिफरेंस आ रहा है रिजल्ट में. एग्जिट डिफॉर्मेशन इज दिस. अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, मिड पॉइंट की बात करता हूं, तो ये आपका एग्जिट डिफॉर्मेशन हो रहा है. ये मिड पॉइंट है, आप ले लो इसका. तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है. यस बट आप अगर एल बाई टू पुट करते हो, देखो अभी भी डिफरेंस है. ये ज्यादा डिफरेंस है एल बाई टू पे. और अगर आप एल बाई थ्री पुट करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है कंपेयर टू अदर टू रिजल्ट. तो यहां पे आप कोई चीज फिक्स नहीं कर पा रहे हो और यही इसका ड्रॉबैक है. तो एक बार समराइज कर लेते हैं. व्हाट इज पॉइंट कोलोकेशन टेक्निक. आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आया, मैं इसको रेफरेंस लेता हूं इस इक्वेशन को समराइज करने के लिए. आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आया उसका आप ऑर्डर चेक करो. ऑर्डर चेक करने के बाद अगर ट्रायल फंक्शन आपको साइन कॉस के टर्म में नहीं दिया हुआ है तो बेटर है कि आप पॉलिनोमियल इक्वेशन ही एज्यूम करो, क्योंकि आपका एक सेट हो जाएगा मोमेंटम की, उसी थ्रू सॉल्व करना है. यस ये यहां पर ऑर्डर आया फोर, तो मैंने फोर ऑर्डर का इक्वेशन एज्यूम कर लिया. अब सेकेंड स्टेप इज वॉट, मुझे बाउंड्री कंडीशन पुट करके इसका इस इक्वेशन का कोफिशिएंट रिड्यूस करके वी कैप बनाना है या सॉल्यूशन को रिड्यूस करना है. और सॉल्यूशन एज्यूम करने के बाद आप इसको अगेन पुट कर देना डिफरेंशियल इक्वेशन में और इज इक्वल टू आर डी दैट इज रेसिड्यूअल. रेसिड्यूअल मिल गया. अब अगर रेसिड्यूअल फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, रेसिड्यूअल फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, तो आप आर डी की वैल्यू जीरो पुट करके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेना. यस बट अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर किस वैल्यू एक्स की वैल्यू पे आर डी को जीरो पुट करना चाह रहे हो. अगर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो यू आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू ऑफ एक्स एट विच यू कैन पुट आर डी इज इक्वल टू जीरो. जैसे मैंने इस ग्राफ में देखा, आपका रिजल्ट वेरी करेगा अलग अलग, वो मैटर नहीं करता क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम के लिए सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कोलोकेशन मेथड मैं कंप्लीट करता हूँ. आपका एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं आप सॉल्व करने के लिए, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और वीडियो पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें. दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव टू पुट आर डी इज इक्वल टू जीरो एट एक्स बाई थ्री एंड टू बाई थ्री, उसको कंपेयर करना है एग्जिट रिजल्ट से क्या आता है. तो यहाँ पे देखना वाई दिया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर वन है, तो आप यू कैन एज्यूम द लीनियर इक्वेशन हियर आल्सो सी नॉट प्लस सी वन एक्स. बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे इक्वेशन सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर लेके सॉल्व करो और देखो कि कैसा रिजल्ट वेरी करता है दोनों पॉइंट के साथ. सो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज यहाँ पे टू ले रहा हूँ मैं, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, उसको लेके सॉल्व कीजिए. डोमेन इज गिवन जीरो टू एल, यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है. ये बाउंड्री कंडीशन उतना ही दिया रहेगा जितना ऑर्डर है इसका. ऑर्डर वन है, बाउंड्री कंडीशन वन दी हुई है. ऑर्डर फोर था, बाउंड्री कंडीशन फोर दी हुई थी. ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ स्टॉप करते हैं.